प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने ड्रोन दीदी से भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि देश में नमो दीदी ड्रोन की चर्चा हो रही है, नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे है। कुछ दिनों के बाद 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाएंगे। यह खास दिन देश के विकास में महिलाओं के योगदान को सैल्यूट करने का अवसर प्रदान करता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा कि आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है, हर किसी के जुबान पर नमो ड्रोन दीदी चल पड़ा है। ये नमो ड्रोन दीदी देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। पीएम मोदी ने कहा कि रासायनिक पदार्थों से हमारी धरती माँ को जो कष्ट और पीड़ा हो रही है, उससे धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल गैजेट्स का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तकनीक का खूब उपयोग हो रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साथियों, आज युवा उद्यमी भी वन्य जीवन संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं। भारत में तो प्रकृति के साथ तालमेल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। पीएम मोदी ने बिहार की मुसहर जाति का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश की कहानी प्रेरणा देने वाली है। अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है। कितने ही लोग निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और इसे सजाने संवारने के प्रयासों में जुटे हैं। आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे। इनमें से बड़ी संख्या उनकी भी है जो भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।